बजट फ्रेंडली ऑडियो इंटरफेस का जो मार्केट है उसमें पिछले कुछ सालों में कंपटीशन बहुत स्टिफ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद फोकस राइट के जो ऑडियो इंटरफेसेस हैं दे कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ऑडियो इंटरफेसेस अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया, स्पेशली फोकस राइट स्कारलेट सोलो और फोकस राइट स्कारलेट 2i2। दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस सिर्फ 3 या 4 हज़ार रुपये का ही है, लेकिन वो अमाउंट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है उन लोगों के लिए जो शायद हेडफोन में या फिर माइक्रोफोन में कॉम्प्रोमाइज़ करके 2i2 लेने का सोच रहे हो। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि 2i2 और स्कारलेट सोलो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं क्लियर करूं, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। लेट्स बिगिन। इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं। डिफरेंसेस जानने से पहले हम समझ लेंगे कि दोनों की सिमिलैरिटीज क्या हैं, उसके बाद बढ़ेंगे डिफरेंसेस की ओर और लास्ट में मैं अपनी एडवाइस दूंगा फर्स्ट टाइम बायर्स को। और इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में जो कंपैरिजन कर रहा हूं और जो डिफरेंसेस बता रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन द 3rd जनरेशन ऑफ फोकस राइट इंटरफेसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों ऑडियो इंटरफेसेस में सेम क्या क्या है। किसी भी ऑडियो इंटरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसके माइक प्रीएम्प की क्वालिटी। जहां तक 2i2 और सोलो का सवाल है, दोनों में ही सेम माइक प्रीएम्प यूज हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपको रिकॉर्डिंग जो है दोनों में ही एकदम सेम क्वालिटी की मिलेगी। इसके साथ साथ फोकस राइट ने अपने 3rd जनरेशन के इंटरफेसेस में जो एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था एयर मोड का। बेसिकली अगर आपके माइक्रोफोन में आपको लग रहा है कि शाइन थोड़ी कम है, हायर फ्रिक्वेंसीज में अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए एयर मोड यूजफुल हो सकता है, जो कि आपको दोनों के अंदर मिलेगा। एक चेंज जो 2nd जनरेशन के इंटरफेस में नहीं था लेकिन 3rd जनरेशन में ऐड किया है फोकस राइट ने, वो ये कि 3rd जनरेशन के जो इंटरफेस हैं उसमें सोलो और 2i2 दोनों में ही बैलेंस्ड आउटपुट आपको मिलेंगे, वेरैज जो 2nd जनरेशन के इंटरफेस थे उसमें सोलो में अनबैलेंस्ड आउटपुट था। और लास्टली जो प्लगइन जो सॉफ्टवेयर ऑडियो इंटरफेस के साथ फ्री आते हैं वो दोनों में ही सेम है, दोनों के साथ आपको एबल्टन लाइव लाइट और प्रो टूल्स फर्स्ट फ्री मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखने में भले लगे कि दोनों में दो दो इनपुट्स हैं लेकिन माइक प्रीएम्प स्कारलेट सोलो में सिर्फ एक है, वेरैज 2i2 में दो माइक प्रीएम्प मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज करने वाले हो जहां पे आपको साइमल्टेनियसली दो माइक्रोफोन रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, आप किसी गेस्ट का इंटरव्यू लेने वाले हो, या शायद आपको अकूस्टिक गिटार की स्टीरियो रिकॉर्डिंग करनी है यूजिंग 2 माइक्रोफोन्स, और सिंगर सॉन्ग राइटर्स अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर लाइव एक टेक में रिकॉर्ड करना चाहते हो कि गा रहे हो आप एक माइक में और दूसरे माइक के थ्रू आपका अकूस्टिक गिटार रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस पर्पस के लिए सोलो विल नॉट बी द राइट चॉइस, बेटर गो फॉर 2i2। अब इसी डिफरेंस से मिलता जुलता दूसरा डिफरेंस भी ये है कि जो 2i2 में दोनों इनपुट हैं दे डबल अप एज बोथ इंस्ट्रूमेंट इनपुट एंड माइक इनपुट। तो इसका मतलब कि आपके पास ऐसा कोई भी आउटबोर्ड गेयर है जो आप यूज करना चाहते हो जिसका आउटपुट स्टीरियो है, मतलब लेफ्ट और राइट चैनल दोनों सेपरेट केबल के थ्रू आपको मिलती है, ऐसा कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो 2i2 में पॉसिबल होगा। सोलो में आप सिर्फ एक ही चैनल एट अ टाइम रिकॉर्ड कर पाओगे। बट स्टिल इवन इन स्कारलेट सोलो अगर आपको इलेक्ट्रिक गिटार या बेस गिटार ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो वो तो आप कर ही पाओगे। अब बात करते हैं ऐसे एक फीचर की जिसके होने ना होने से आपका काम तो नहीं अटकेगा लेकिन कन्वीनियंस पे काफी असर पड़ सकता है लॉन्ग रन में। अगर आप 2i2 पे नजर डालो तो वहां पे हेडफोन का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डायल्स दिए गए हैं, वेरेस सोलो में एक ही डायल है दोनों का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। और लास्टली एक और डिफरेंस जो मुझे लगा बता देना चाहिए जिसपे कुछ लोगों का ध्यान ना जाए वो ये कि ऑल दो डायरेक्ट मॉनिटरिंग दोनों में ही पॉसिबल है लेकिन 2i2 में डायरेक्ट मॉनिटरिंग के दो अलग अलग मोड्स हैं, एक तो है मोनो और एक है स्टीरियो। मोनो मोड में एज एक्सपेक्टेड लेफ्ट और राइट चैनल में आपको कंबाइंड सिग्नल सुनाई देगा लेकिन जब स्टीरियो मोड में डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑन है तो इनपुट 1 जाएगा लेफ्ट चैनल में और इनपुट 2 आपको सुनाई देगा राइट चैनल में। नाउ आई वुड लाइक टू गिव सम एडवाइस टू द फर्स्ट टाइम बायर्स। अगर हल्का सा भी आपके दिमाग में डाउट है कि 1-2 साल के अंदर आपको एक्स्ट्रा माइक इनपुट की जरूरत पड़ेगी तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन 2i2 स्ट्रेट अवे, क्योंकि 3-4 हज़ार बजाने के चक्कर में आप 13-14 हज़ार का नुकसान कर बैठोगे। दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते हैं नियर फ्यूचर में, उनको लगता भी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा माइक इनपुट की जरूरत होगी, फिर भी सेफ खेलने के लिए वो 2i2 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, जरूर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कीजिए, एक एक्स्ट्रा इनपुट कभी ना कभी काम में जरूर आएगा। लेकिन वो लोग जो बहुत टाइट बजट पे हैं और एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार ऑडियो इंटरफेस में डालने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं माइक्रोफोन में या फिर हेडफोन की क्वालिटी में, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सोलो से ही काम चलाइए, क्योंकि बजट फ्रेंडली रेंज में स्पेशली हेडफोन्स और माइक्रोफोन की कैटेगरी में आप अगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल ऑडिबल डिफरेंस आपको मिलेगा
फाइनल रिकॉर्डिंग क्वालिटी में, और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट मेक दैट कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको मेरे रिकमेंडेशंस जानने हैं डिफरेंट बजट कैटेगरीज में फॉर माइक्रोफोन, हेडफोन, ऑडियो इंटरफेसेस, स्टूडियो मॉनिटर्स, मिडी कीबोर्ड्स, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरा अमेज़न पेज, जहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।